हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। तो हम लोग इसके पहले स्टेनोग्राफर का और ग्रुप सी का एक पेपर इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो देखिए, इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। जो 20 जनवरी 2019 को पेपर हुआ था, ग्रुप सी पोस्ट का पेपर था। तो आपको एक बार फिर से बता दूँ कि इसमें सिलेबस में जो है वो आपको 25 क्वेश्चन मैथ, 25 क्वेश्चन जीएस, 25 क्वेश्चन इंग्लिश, 25 क्वेश्चन हिंदी के मिलने वाले हैं। तो इसको आप देखेंगे तो इसमें आगे हम जो डिस्कस करेंगे उसमें भी सेम यही सेक्शन रहने वाला है, हिंदी, मैथ, जीएस और इंग्लिश का 25 क्वेश्चन। चलिए, इस क्रम में हम लोग आज अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन उससे पहले, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर भी नहीं कर रहे हैं, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्योंकि आपको कहीं मिले या ना मिले, जो आपके अपकमिंग एग्जाम होंगे उनके प्रीवियस ईयर के पेपर्स को चाहे जहां से ढूंढ के मैं इस अपने चैनल पे जरूर दूंगा। आप कहीं मिले या ना मिले, लेकिन यहां पे जरूर मिल जाएगा आपको। तो अगर आपको किसी और एग्जाम का पेपर चाहिए हो प्रीवियस ईयर, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, मैं उसका पेपर आपको मैं ढूंढ के दूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो उसके लिए आपको बस एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना जितना हो पाए। हाँ, तो बस यही करना है, बस छोटा सा काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग शुरू करते हैं। जीएस का पहला क्वेश्चन है, किस फाइबर रेशे को गोल्डन फाइबर कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही है, जूट को। ठीक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अंग्रेजों द्वारा निर्मित सेलुलर जेल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो काला पानी में, ये काला पानी नाम से जाना था। काला पानी की सजा किसको मिली थी, अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट में बताएं। भारत में राज्यसभा का एक पूर्ण सदस्य कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? ऑप्शन नंबर 3, मतलब 6 वर्षों के लिए। राज्यसभा का जो होता है सांसद, वो सदस्य जो है वो 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। लोकसभा का कितने वर्ष के लिए होता है, इसको भी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। आप इस वीडियो को 1.5x पे देख सकते हैं। हिटलर किस देश का तानाशाह था? तो जर्मनी का तानाशाह था। कहां का? जर्मनी का। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। और ये प्रथम युद्ध जो है वो किस किस के बीच में हुआ था, ये भी आप हमें कमेंट में बताएं। अतुल्य भारत किस संगठन की टैगलाइन है? तो भारतीय रेल, स्वच्छ भारत अभियान, भारतीय पर्यटन या एयर इंडिया? तो इसका सही आंसर है भारतीय पर्यटन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू, बिहू का त्यौहार पारंपरिक रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा, बिहू जो है वो असम में मनाया जाता है। तो ना बिहार, ना पंजाब, ना केरल, तो इसका ऑप्शन जो नंबर 4 इनमें से कोई नहीं, बिहू चूंकि असम में मनाया जाता है। तो अगर आप ये लोक नृत्य से रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल में पढ़ा, उसको भी आप देख लेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। उसमें शॉर्ट ट्रिक बताया गया है। रिसेंट नहीं कहेंगे, इसके पहले कई वीडियोज ऐसे पढ़ चुके हैं जिसमें आपको शॉर्ट ट्रिक बताया गया है, तो उसे आप जरूर देखें, बहुत ही हेल्प मिलने वाली है उससे। बगदाद किस देश की राजधानी है? देखिए, कितना आसान क्वेश्चन इलाहाबाद हाई कोर्ट के पेपर में पूछा गया है। सभी को पता है इराक की राजधानी बगदाद है। पंचतंत्र किसने लिखा? अब ये कोई ऐसा होगा जो नहीं पढ़ रहा होगा शायद, उसको ना पता हो, लेकिन ये सबको पता होगा, जो पढ़ नहीं रहा उसको ही पता होगा। विष्णु शर्मा पंचतंत्र लिखे हैं, क्योंकि पंचतंत्र की कहानियां जब छोटे थे आप लोग तो बहुत पढ़े होंगे, तो पता होना चाहिए। देखिए, सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम क्या है? प्लेइंग इट माई वे। अकबर के दरबारी सदस्य बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो महेश दास उनका वास्तविक नाम था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च मनाया जाता है। देखिए, इस पेपर को देख के बस आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का किस टाइप का पेपर आने वाला है। तो बस एक आइडिया लेने के लिए इस पेपर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कोई और ऐसा वजह नहीं है कि सेम ही पेपर आएगा आपके एग्जाम में, ऐसा कोई वो नहीं है। बस आपको एक आइडिया हो जाएगा कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से आ रहे हैं। मैं ये नहीं बता रहा हूँ अभी इस पेपर में, इस वीडियो में, लेकिन अगर आप कहेंगे तो ये भी मैं डिफाइन करके बता दूंगा आपको, अलग अलग डिफरेंशिएट करके कि कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से आ रहे हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, जिम्नास्टिक विश्व चैलेंज कप 2018 में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? तो दीपा कर्माकर। किस मुगल शासक को यह ज्ञात है कि उसने अपने न्याय को सुनने के लिए, अपने न्याय की सुविधा के लिए एक बेल ऑफ जस्टिस यानी न्याय की घंटी, बेल है ये न्याय की घंटी स्थापित किया है? तो वो जहांगीर थे। ठीक, जहांगीर ने ये न्याय की घंटी या बेल ऑफ जस्टिस बनाया था। कितने बिट 1 बाइट के बराबर होता है? तो आपको पता होना चाहिए 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है।
निम्नलिखित में किस भारतीय ने साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता? तो सभी को पता होगा, ये रविन्द्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस से नहीं होती है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायरस और बैक्टीरिया से होने वाले रोगों का नाम, बीमारियों का नाम जरूर आप याद कर लें। एथलीट फुट या हाथी पैर जिसे कहते हैं, तो ये जो है ये वायरस से नहीं होता। कौन से विकल्प भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इन घटनाओं के सही क्रम का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु, चौरी चौरा कांड, जलियांवाला बाग नरसंहार, मुस्लिम लीग का गठन। तो देखिए, सबसे पहले मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, फिर जलियांवाला बाग हुआ था, और फिर चौरी चौरा कांड, फिर लाला लाजपत राय की मृत्यु। तो 4321 इसमें देखेंगे आप, 3 नंबर ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सी स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट खिलाड़ी खेल जोड़ी गलत तरीके से मेल खाती है? तो देखिए, साइना नेहवाल बैडमिंटन सही है, साक्षी मलिक टेनिस। ये बताइए, ये साक्षी मलिक जो है ये कुश्ती लड़ती हैं, ये टेनिस नहीं खेलती हैं। बाकी जो है मिताली राज क्रिकेट, दीपक कुमार तिरंजा, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके शासनकाल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता था? तो शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता था। IAS का पूरा नाम सभी को पता होगा, सभी लोग जानते होंगे कि बहुत ज्यादा लोग इस UPSC के थ्रू एक एग्जाम होता है IAS, जिसकी तैयारी करते हैं। तो इसका जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय मुद्रा जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर या ऑस्ट्रेलिया डॉलर। भारत में सभी केंद्रीय मंत्रियों को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? सभी को पता होना चाहिए कि जो है वो राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, तो उन्हीं द्वारा नियुक्त भी किया जाता है। किस विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स होता है? देखिए, विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो इसका भी आपको वीडियो एक डेडिकेटेड विटामिन से रिलेटेड आपको मेरे ही चैनल पर मिल जाएगा, तो उसको जरूर देखें। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में आपका स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी स्थित है। ये हलवा से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली अब की बार भी हलवा से ही हलवा क्वेश्चन आएंगे, तो जरूर हलवा को स्किप मत करिएगा, जरूर देख के जाइएगा। लता ने मुझे चित्र दिखाया, देखिए यहाँ से आ जाता है आपका हिंदी। 25 क्वेश्चन जी इसका आपका खत्म हो गया। इस वाक्य में आपको कर्म बताना है, तो लता ने मुझे चित्र दिखाया, तो इसमें किस चीज़ का काम हो रहा है? दिखाने का काम हो रहा है, तो क्या दिखाया जा रहा है? चित्र। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है चित्राल सही हो जाएगा। भूतकाल के कितने उपभेद हैं? भूतकाल के 6 उपभेद हैं। एक प्रत्यय के उपयोग से भूगोल शब्द में किस प्रकार परिवर्तन होगा? तो भूगोल से बनेगा भौगोलिक। देखिए, भौगोलिक किसमें है? पहले ऑप्शन में देखेंगे, भौगोलिक है। उत्तरायण शब्द का विलोम क्या है? उत्तरायण शब्द का विलोम दक्षिणायन है। ठीक, अब देखिए ये आ गया आपका कंप्रिहेंशन पैसेज है, पूरा पढ़ेंगे इसको, इससे 5 क्वेश्चन होंगे उसको देंगे। मादक द्रव्य सेवन को केवल एक सामाजिक विकृत रोग मानना उचित नहीं है, क्योंकि जिस तरह के सामाजिक व्यवस्था में हम रह रहे हैं वह बुरी तरह विषमता से ग्रस्त है। समाज में सबको समान रूप से सुख सुविधा, स्वतंत्रता, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि का अधिकार प्राप्त नहीं है। परिणामतः सर्वत्र असंतोष ही असंतोष है। सामान्य लोगों में के लिए जैविक स्तर पर जीवन बनाए रखना भी अत्यंत कठिन हो गया है। निम्न एवं मध्य वर्ग अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए जितना तनावग्रस्त आज हैं उतना कदाचित ही पहले कभी हुआ हो। पूंजीपति वर्ग के लोग भी अन्यायपूर्वक अधिकाधिक पूंजी के संचयन में लगे होने के कारण कई गलत कामों में फंसते हैं और तनाव का शिकार होते हैं। एक तरह से यह समाजव्यापी असुरक्षा, असंतोष और तनाव ही व्यक्ति को मादक द्रव्य की ओर ले जाता है। जब तक सामाजिक व्यवस्था और मूल्य दृष्टि में अनुकूल परिवर्तन नहीं होता, इस रोग का ऊपरी उपचार कारगर सिद्ध नहीं होगा। स्पष्ट है कि मादक द्रव्य सेवन की प्रवृत्ति भयंकर सामाजिक रोग का एक लक्षण है, अपने आप में रोग नहीं। तो देखिए, ये बेसिकली पूरा मादक द्रव्य सेवन पे डिपेंडेंट है ये पूरा, क्या कहते हैं इसको, पैसेज। तो देखिए, मूल्य दृष्टि का संबंध मुख्यतः, अब इसमें पढ़ेंगे आप मूल्य दृष्टि का संबंध मुख्यतः, तो आपको यहां पता चलेगा सामाजिक नीतियों से है। ठीक, ऊपरी उपचार से अभिप्राय क्या है? तो रोग का उपचार। ठीक, सामाजिक विषमता का कारण क्या है? तो सुविधा, स्वतंत्रता, शिक्षा में असमानता। इसमें आपको विलोम शब्द बताना है, कुल्टा का विलोम क्या होता है? कुल्टा मतलब होता है कुलक्षिणी, और ये पतिव्रता हो जाएगा, जो ऑप्शन सही है। तो सही शब्द चुनिए, देखिए मूर्धरण्य ये गलत है, मूर्धन्य ये आपका सही हो जाएगा। ठीक, मूर्धन्य ये सब गलत है। देखिए, एक शब्द देना है इसमें वाक्य के लिए, एक शब्द जिस काव्य में गद्य और पद्य दोनों का समावेश हो।
तो उसे हम क्या कहेंगे, चंपू काव्य। याद रखिएगा जहां गद्य और पद्य दोनों रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, चंपू काव्य। दिए गए मुहावरे या लोकोक्ति के अर्थ बताइए। तो अशर्फी की लूट और कोयले पर छाप, तो देखिए ये इसका अर्थ क्या होगा, मूल्यवान वस्तु को नष्ट करना और तुच्छ वस्तु की इच्छा करना, रक्षा करना। क्षा वर्ड निम्नलिखित में से किसके योग से बना है, तो इसको आपको पता होना चाहिए कि ये जो है का के नीचे हलंत या आधा का, या और ये मूर्धन्य सा या फिर इसको पेट चिरुआ सा कहते हैं, इससे बना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कामदेव का पर्यायवाची नहीं है, तो शचीपति पर्यायवाची कामदेव का नहीं है। शचीपति किसका है ये आप हमें जरूर बताएं कमेंट में। पारिजात किसका पर्यायवाची है, तो पारिजात जो है कमल का नहीं है, गुलाब का नहीं है, कल्प वृक्ष यानी ये कल्प वृक्ष सही हो जाएगा। मुख्य किसका विलोम है, गौड़। गौड़ का विलोम जो होता है वो मुख्य होता है। अक्ष और अक्षी का सही युग्म अर्थ निम्नलिखित में से क्या है, तो अक्ष मतलब होता है आंख, तो आंख यहां देखेंगे इसमें है, आंख मतलब होता है, अक्ष मतलब आंख और अक्षी मतलब होता है आंख वाली। निम्नलिखित में शुद्ध शुद्ध का चयन कीजिए, तो योगीराज ये शुद्ध है। निम्नलिखित में से एक पद में संधिवा समास दोनों है उनका चयन कीजिए। देखिए दिन रात, पंचवटी, चंद्रमा, रामानुज, तो इसमें रामानुज में आपको संधि और समास दोनों मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, त्रिलोचन ने कामदेव को भस्म कर दिया, त्रिलोचन में सही समास क्या है, तो बहुव्रीहि समास जो है इसमें हो जाएगा जिसके है तीन लोचन। धर्म प्राण का विग्रह निम्नलिखित में से चुनिए, धर्म मतलब होता है धर्म ही है प्राण जिनके, वह धर्म प्राण का विग्रह हो जाएगा। राजपुताना में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय है, तो राजपुताना में आना ये प्रत्यय है। ठीक, अहोरात्र शब्द का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से चुनिए, तो अहन प्लस रात्र ये हो जाएगा। दिए गए विग्रह के उचित समास का चयन कीजिए, तो भारत का रत्न ये आपका हो जाएगा संबंध तत्पुरुष। मैं पिछले साल उसे दिल्ली में मिला था, इसमें रेखांकित शब्द का उचित व्याकरणिक परिचय छांटना है, तो मैं पिछले साल उसे दिल्ली में मिला था, तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग और एकवचन है। काव्यांश पंक्तियों में कौन सा रस है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भौहन है से दैन कहे नटिया, तो इसमें आपका संयोग रस है। ठीक, अब आपका इंग्लिश का क्वेश्चन हो जाता है स्टार्ट। पॉपी वॉज कंसिस्टेंटली डिसअपॉइंटेड बाई द प्रोग्राम्स द शी सा ऑन टीवी विच वर डोमिनेटेड बाई वेस्वेस रियलिटी शोज एंड सिटकॉम्स। आफ्टर ईयर्स ऑफ सफरिंग थ्रू सच एम्प्टी एंटरटेनमेंट शी फाइनली कैंसल्ड हर सैटेलाइट टीवी सब्सक्रिप्शन रिट्रीटिंग टू बुक्स एंड ओकेजनल वेल रिव्यूड फिल्म। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, सिनोनिम ऑफ द वर्ड वेस्वेस का इसमें आपको सिनोनिम बताना है। तो यहां से आप अगर एक बार अर्थ निकालेंगे तो विच वर डोमिनेटेड बाई वर्सेस रियलिटी, तो यहां पे एम्प्टी आ रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, चूज द करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। आई एम टीचिंग हाउ टू प्ले द पियानो, तो आई एम टीचिंग माई सेल्फ, यहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, माई सेल्फ होगा। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। पॉपुलेशन मिडिल क्लास इंक्रीजिंग इज कॉस्ट लाइन्स अलॉन्ग, तो देखेंगे पहले आएगा मिडिल क्लास, ठीक, फिर आएगा पॉपुलेशन, फिर आएगा इज इन, फिर आएगा इंक्रीजिंग, फिर आएगा अलॉन्ग, फिर आएगा कोस्ट लाइन्स, तो इसमें आप देखेंगे दूसरे ऑप्शन में आपका मिल जाएगा। फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल प्रीपोजिशन, इसमें आपको प्रीपोजिशन भरना है। ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास आई फाइंड सुषमा टू बी द मोस्ट सुटेबल। बिटवीन नहीं होगा, बियॉन्ड नहीं होगा, इनटू नहीं होगा, यहाँ पे अमंग होगा। जब दो से ज्यादा हो जाते हैं तो वहां पे अमंग का इस्तेमाल होता है। मरियम सेड आई वांट टू हैव सम मोर कुकीज, इसको आपको डायरेक्ट में दिया हुआ है, इसको आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो इसमें देखेंगे मरियम सेड दैट शी वांटेड टू हैव सम मोर कुकीज, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल कंजंक्शन, यू विल फेल इल, सॉरी यू विल फॉल इल डैश यू डोंट कवर योरसेल्फ प्रॉपरली इन दिस टेरिबल वेदर, तो इसमें आपका इफ लगेगा। ठीक, क्या लगेगा, इफ लगेगा, अगर तुम अपने आप को अच्छे से कवर नहीं करोगे तो तुम बीमार हो जाओगे, इसका अर्थ हो रहा है। फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट मॉडल, मॉडल
अब यहां पे मॉडल भरना है, ही इज वर्किंग हार्ड सो दैट ही मे, ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ही मे विन ए स्कॉलरशिप. इट वॉज, इसमें क्या करना है, सेंटेंस विद करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस. इट वॉज क्वार्टर पास्ट टेन, वी डैश द न्यूज ऑन टेलीविजन, तो वी वर वॉचिंग. ठीक, यहां थर्ड ऑप्शन देखेंगे, इट वॉज क्वार्टर मतलब ये पहले बात हो चुकी है, वी है तो उसके अकॉर्डिंग वर लगेगा और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो वॉचिंग लगेगा. ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, विद स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव चूज द करेक्ट इंटेंसिफायर टू फिल द गिवन ब्लैंक. तो इसमें हाउ वॉज योर एग्जाम, तो बी बी यहां पे स्टेटमेंट है, नॉट गुड, इट वॉज रियली डिफिकल्ट, यहां पे रियली हो जाएगा. कंप्लीट द सेंटेंस विद द फ्रेजल वर्ब, व्हेन यू आर गोइंग टू डैश दोज डेकोरेशंस द वेडिंग वॉज टू वीक्स एगो, तो यहां पे हम लगाएंगे टेक डाउन. ठीक, विच सेंटेंस हैज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, तो देखिए इसको पढ़ेंगे आप तो आपको ये क्लियर हो जाएगा. पहला पढ़ते हैं, सारा पढ़ेंगे इसको, स्टडिंग जर्मन, फिर यहां पे लगा है सेमी कॉलन, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दिस ईयर, ये देखिए पढ़ने में नहीं आ रहा है. सेकंड पढ़ेंगे सराहस इज, ये इसका मतलब फर्स्ट टॉपिक का मतलब लगा एस लगेगा, हो जाएगा स्टडिंग जर्मन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दिस ईयर, ये आपका सही हो जाएगा. चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक, तो देखेंगे डैश ऑफ द बैड वेदर, देयर वॉज अ लार्ज क्राउड एट द मैच, मतलब खराब मौसम होने के बावजूद देयर वॉज अ लार्ज क्राउड एट द मैच, मतलब मैच में बहुत ज्यादा भीड़ थी. तो यहां पे आप देखेंगे के बावजूद के लिए इंस्पाइट यूज होगा. फिर इन द गिवन ब्लैंक विद वन ऑफ द फ्रेजेस, तो इसमें आई डैश ईट मीट बट आई बिकेम ए वेजिटेरियन 5 years ago, तो यहां पे होगा आई यूज्ड टू. ठीक, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा. फिर इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, ही वॉन एन अवार्ड बिकॉज ही हैड सेव्ड समवन डैश ड्रोनिंग, तो यहां पे फ्रॉम हो जाएगा, मतलब डूबने से बचाया तो उसे अवार्ड एक मिला. कंप्लीट द सेंटेंस विद द प्लूरल काउंट नाउन, सॉरी यहां पे लिखा हुआ डैश आर वेरी एक्सपेंसिव, तो देखिए कंप्यूटर होगा तो यहां पे आर नहीं लगेगा, तो पहले तो कंप्यूटर नहीं होगा, ये लिखा हुआ कंप्यूटरीज, ये भी कोई वर्ड नहीं होता, ये भी कंप्यूटरीज लिखा है, कंप्यूटर्स यहां पे आप देखेंगे तो यहां कंप्यूटर्स आर वेरी एक्सपेंसिव इज द राइट आंसर. कंप्लीट द सेंटेंस बाय सिलेक्टिंग ए एन द और डैश इफ एन आर्टिकल इज नॉट रिक्वायर्ड मार्क डी फॉर द आंसर. देखिए यहां पे आपको आर्टिकल यूज करना है. आई लाइक लिसनिंग टू डैश म्यूजिक, तो यहां पे देखेंगे आर्टिकल द यूज होगा. चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, तो यहां लिखा हुआ है कॉन्फिडेंट, तो कॉन्फिडेंट का अपोजिट बताना है आपको, तो इसका डिफिडेंट हो जाएगा. चूज द वन दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, ग्राफिक, तो इसमें ग्राफिक का हो जाएगा पिक्टोरियल, सिनोनिम बताना है तो पिक्टोरियल इज द राइट आंसर. फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसमें आपको देखेंगे कमेटी, ये गलत लिखा हुआ है कमेटी, ये आपका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी दोनों ये है जो गलत है. 70 क्वेश्चन देखेंगे 1, 2, 3 एंड विच ऑफ द ऑप्शन 1, 2, 3 गिवन बिलो द सेंटेंसेस, सेंटेंस शुड रिप्लेस द फ्रेज प्रिंटेड इन बोल्ड टाइप एंड अंडरलाइन टू मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट, इफ द सेंटेंस इज करेक्ट एज इट इज मार्क डी एज द आंसर, मतलब नो करेक्शन रिक्वायर्ड. इफ आई वुड हैव रियलाइज द नेचर ऑफ द जॉब अर्लियर आई वुड नॉट हैव एक्सेप्टेड इट, तो इसमें हो जाएगा आपका हैड आई रियलाइज. ठीक, गिव वन वर्ड फॉर, यहां वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया. अकाउंट ऑफ ए पर्सन्स लाइफ रिटन बाय हिमसेल्फ, अगर कोई अपना खुद बायोग्राफी लिख रहा है, सॉरी मैं बता ही दिया, बायोग्राफी मतलब खुद से लिखना होता है, लेकिन ये किसी और का लिख रहा है तो उसे हम कहेंगे ऑटोबायोग्राफी. ठीक, फाइंड आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द एडियोमेटिक एक्सप्रेशन टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, देखिए यहां पे कहा जा रहा है एक तीर से दो निशाना, तो इसमें आप देखेंगे अचीव टू एम्स विद अ सिंगल एफर्ट. डायरेक्शन यहां दिया हुआ है विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन दिस टेक्स्ट, तो यहां पे फिगर ऑफ स्पीच पूछा जा रहा है कौन सा यूज हुआ है. एल्डरली अमेरिकन लेडीज लीनिंग ऑन देयर केन्स लिस्टेड टुवर्ड मी लाइक टावर ऑफ पीसा, तो इसमें आपका क्या यूज हुआ है, सिमिली. ठीक,
74 क्वेश्चन देखेंगे. कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडवर्ब विच सूट द सेंटेंस. फेलिक्स कुक्स द डैश ऑफ ऑल माई हाउसमेट्स एंड ही ऑफन मेक्स डिनर फॉर एवरीवन. तो यहां देखेंगे बेस्ट हो जाएगा. फेलिक्स कुक्स द बेस्ट ऑफ ऑल माई हाउसमेट. ठीक, आज का हम लोग 75 और लास्ट क्वेश्चन है हम लोग के सामने, ये हम देखेंगे. कंप्लीट द पैटर्न एनालॉजी. यहाँ लिखा हुआ है ड्रामा ड्रामेटिक अरोमा एरोमेटिक हो जाएगा. ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के ग्रुप सी के एग्जाम में. इसके बाद हम लोग का मैथ का सेक्शन है, तो इसका आपको पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम में दे देंगे. मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा. मैं कल मैथ के बारे में बताया था कि क्यों नहीं मैं मैथ के वीडियो को आगे बढ़ा रहा हूँ या मैथ के क्वेश्चंस को क्यों नहीं सॉल्व करा रहा हूँ. तो अगर आपको नहीं पता तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा. तो लास्ट में ही कहूँगा कि आपको कहीं प्रीवियस ईयर पेपर मिले या ना मिले, आपको हमारे इस करंट क्यूबो चैनल पे प्रीवियस ईयर पेपर और मॉडल पेपर जरूर मिल जाएंगे. तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.